सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आजकल के टाइम में स्मार्टफोन जो है वो हर एक पर्सन की बहुत ही ज्यादा बड़ी नीड है। ऐसे में हर आदमी ट्रेंड के साथ चलना चाहता है और वो नए स्मार्टफोन परचेस करता रहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब आप पैसे बहुत सारे दे के आ जाते हैं और आपको स्मार्टफोन के फीचर्स के नाम पे कुछ गिने चुने फीचर्स मिलते हैं। तो ऐसे में काफी सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि यार, मैंने ऐसा टाइम पे क्यों स्मार्टफोन लिया, या ऐसा स्मार्टफोन ना लेता तो ज्यादा अच्छा होता। तो आप सबको इसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए आज मैं लाया हूँ यही वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन बाय करते वक्त आपको किस चीज का ध्यान ज्यादा रखना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं टेक स्पाय। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन बाइंग टिप के बारे में, तो सबसे पहली टिप तो यही आती है कि आपको सबसे पहले अपना एक बजट फिक्स करना होगा। बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और आपको ये सोच के अपना बजट रखना है कि आप उसमें इंश्योर कर सकें कि इतने से इतना रुपया ही आप खर्च कर सकते हैं, और ज्यादा पुश करने की लिमिट नहीं है, क्योंकि जितना भी बजट रखेंगे उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट और कॉम्पिटिटिव फोन्स मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप सबसे पहले एक बजट बनाएं। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको एक बजट ध्यान में रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए अपने स्मार्टफोन खरीदने पे खर्च कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है परफॉर्मेंस। अब आपने एक बार बजट सेट कर लिया तो आपको उस बजट के अंदर अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो है परफॉर्मेंस। आपका स्मार्टफोन परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा दे रहा है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, परफॉर्मेंस के लिए सारा जिम्मेदार होता है प्रोसेसर। अब अगर आपको पता नहीं कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है तो मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, यहाँ आई कार्ड पे दे दे रहा हूँ या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका प्रोसेसर जितना ज्यादा अच्छा होगा आपका फोन लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा रन करेगा और उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे उस फोन को इस्तेमाल करते हुए। तो प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हाई परफॉर्मेंस के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए भी प्रोसेसर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है आपका यूसेज। सो गाइस, अब यहाँ पे जब हम लोगों का प्रोसेसर कंप्लीट हो जाता है तो अगला पॉइंट आता है हम लोगों का डिस्प्ले। अब ये एक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रोसेसर के बाद, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा डिस्प्ले से ही इंटरेक्ट करते हैं। फोन को जब अनलॉक करें, जब भी कोई वीडियो देखते हैं, जब भी कोई गेम खेलते हैं, तो सारा काम डिस्प्ले के ऊपर ही टिका रहता है। क्यों? क्योंकि आपको कैसा इफेक्ट मिल रहा है, आपको कैसी पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, आपको कैसे कलर्स मिल रहे हैं, ये सब आपके डिस्प्ले के ऊपर सूट करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रहे कि आपका जो यूसेज टाइप है उस हिसाब से आपको क्या डिस्प्ले ज्यादा अच्छा चाहिए। अगर आप ज्यादातर मूवीज या टीवी शोज देखते हैं तो आपको फिर एक एमोलेड डिस्प्ले जाना चाहिए थोड़ा हाई रिजोल्यूशन के साथ। नॉर्मल टास्क करते हैं तो आईपीएस एलसीडी भी आप जा सकते हैं, वो भी नॉर्मल टास्क के लिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट है किसी भी स्मार्टफोन का, क्योंकि यूजर सबसे ज्यादा इंटरेक्ट डिस्प्ले के साथ ही करता है। तो अपने बजट के हिसाब से ये जरूर देखिएगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कितना अच्छा डिस्प्ले मिल पा रहा है। सो गाइस, अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो है सॉफ्टवेयर या फिर ओएस या फिर यूआई। किसी भी स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर और ओएस या फिर यूआई जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूजर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर आपके फोन की स्मूथनेस, सिक्योरिटी और साथ ही साथ उसका कितना वो फास्ट रहता है आपका फोन, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ज्यादातर इंपॉर्टेंस ओएस को मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जब भी आप कोई स्मार्टफोन यूज करते हैं अगर उसका ओएस ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो आपको वो ज्यादा लैगी फील करेगा, आपको लगेगा कि आपका फोन काफी ज्यादा स्लो है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसे ओएस के साथ मैंने टाइप कर लिया, या कैसा ओएस मेरे गले में पड़ गया। तो ऐसे में आपको ओएस जब भी कोई भी फोन परचेस करें तो उसके ओएस में क्या देखना है, सबसे पहली चीज उसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिसमें मेरा ख्याल है सैमसंग का वन यूआई बहुत ही ऊपर है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ही टॉप नॉच है। नंबर टू, वो स्मूथ होना चाहिए, यानी कि उसमें ज्यादा लैग्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फोन में प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है लेकिन ओएस की वजह से आपको लग रहा है फोन काफी स्लो और लैगी है। तो इस मामले में वन यूआई, ऑक्सीजन ओएस वन प्लस का, गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड और रियलमी यूआई या फिर ओप्पो यूआई जो होता है वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि उसमें ज्यादातर जंक ना भरी हो, जैसे कि अनडिसेंट ऐप भर दिए, फालतू के ऐप्स भरे हुए हैं। तो इस बारे में अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है ऑक्सीजन ओएस एंड वन यूआई ज्यादा अच्छे हैं और गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड तो टॉप नॉच है। और फिर यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें एड्स ना आते हो या नोटिफिकेशन, यानी कि क्लीन यूजर इंटरफेस हो।
तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है जब भी आपको स्मार्टफोन खरीदे कि उसके ओएस में ये सारी चीजों में से कम तीन चार चीजें तो होनी चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है स्मार्टफोन कैमरा। अब यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरा जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है काफी लोगों के लिए, क्योंकि उनको फोटोज क्लिक करनी होती है या फोटोग्राफी के लिए ही वो फोन लेते हैं। ऐसे में अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ओप्पो, वीवो और सैमसंग के फोन जो है वो काफी अच्छे रहते हैं इस बेसिस में। तो अगर आपको एक कैमरा सेंट्रिक फोन लेना है तो आप इन तीन स्मार्टफोन कंपनीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन कैमरा के बारे में, तो इसमें आपको सिर्फ मेगापिक्सल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, इसमें और भी सारे कंडीशंस होते हैं जो आपकी फोटोज को अच्छा बनाते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन का सेंसर, उसका अपर्चर, HDR और भी काफी सारी चीजें। अब अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो मैंने स्मार्टफोन कैमरा टर्म्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ आई कार्ड पर दिख जाएगा या तो फिर मैं यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे स्मार्टफोन खरीदने हैं जिसका कैमरा अच्छा हो। सो गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है कनेक्टिविटी। अब आज के टाइम में कनेक्टिविटी जो है काफी लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब 5G आने ही वाला है। काफी लोग जो है 4G फोन खरीद के अब पछता रहे हैं कि यार उनको लगता है अब 5G आएगा तो मेरा 4G फोन बेकार हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन 4G ही खरीदना भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 85-90% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो 5G खरीद पाए, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो काफी लंबे टाइम तक फोन यूज करते हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आप 5G तो फोन ले ही ले। अब यहाँ पे अगर आपको 5G के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ या यहाँ आई कार्ड पे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे 5G क्यों लेना है, क्योंकि लगभग लगभग 1-1.5 साल में 2022 के मिड में आने ही वाला है, यानी कि 1 साल से भी कम का टाइम बचा है 5G को आने में इंडिया के अंदर। ऐसे में अगर आप 4G फोन लेते हैं और आपको उसको 2-3 साल तक चलाना है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बेटर चॉइस रहेगी। हालांकि आप 5G फोन लें तो उसमें बैंड्स के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दें, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि वो 4G को भी सपोर्ट करता हो, क्योंकि 5G के आते तुरंत ही 4G नहीं जाने वाला, उसको अभी जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा 4G को। तो इसके ऊपर भी जरूर ध्यान रखिएगा, और मैं कहता हूँ 5G जरूर प्रीफर करिएगा जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदें। सो गाइस, अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो है स्टोरेज। आज के टाइम में गाइस स्टोरेज जो है एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग फोटोज वीडियोस बहुत ही ज्यादा कैप्चर करते हैं, मल्टीपल एप्स रहते हैं, बड़े बड़े हैवी गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे में स्टोरेज फास्ट और ज्यादा होनी जरूरी है। तो आज के टाइम में मिनिमम टू मिनिमम मुझे लगता है 128 GB स्टोरेज तो होनी चाहिए, और कम से कम UFS 2 या UFS 2.1 स्टोरेज टाइप तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर रैम जो है वो मेरे हिसाब से कम 6 GB होनी चाहिए, और वो भी कम से कम LPDDR4X तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। अब अगर आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप्स के बारे में नहीं पता तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ या यहाँ आपको आई कार्ड पर दिख जाएगा, तो उसको भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज, ये तो थी मेरी वीडियो स्मार्टफोन बाइंग गाइड के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मेरा आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं ऐसे टिप्स वाली वीडियोस लाऊं तो आपको टिप्स जानने का मौका सबसे पहले मिले। सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।